नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पर वेज मोमोज। वेज मोमोज बड़े आसानी से बन जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए मैंने ये कुछ सब्जियां ली हैं, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, हरी आल प्याज होती है उसकी कुछ कलियां ली हैं मैंने, एक हरी मिर्च ली है, अदरक का टुकड़ा लिया है, स्वीट कॉर्न लिया है। और ये तो हमारी हो गई फिलिंग वाली सामग्री। और उसके लिए मोमोज के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है और थोड़ा सा हमें पानी चाहिए। मसालों में हमने नॉर्मली मसाले जो हम घर में यूज़ करते हैं वही मसाले हमें चाहिए, जैसे हल्दी है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। तड़के के लिए मैंने राई और हींग लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोमोज बनाने के लिए हम इसका आटा बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे ये मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, तो इसको हम एक बाउल में डालेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, लगभग एक चम्मच ऑयल चाहिए हमें छोटा, और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ठंडे पानी से, मैंने नॉर्मल पानी लिया है, आप इसकी सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक नरम आटा तैयार करेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, ये तो जो हमारा जो ये आटा है एकदम पतला हो जाएगा। हमें जो इसका मोमोज का जो आटा बनाना है ना, हमें ज़्यादा टाइट बनाना है ना एकदम पतला, जैसे हम नॉर्मल चपाती का आटा बनाते हैं इस तरीके से एक सॉफ्ट आटा तैयार करके तैयार करना है। ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ को चिकना करेंगे और इसको आटे को 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढक करके रख देंगे। और जब तक ये हमारा ढक कर रखेंगे, हम अपनी ये जो सब्जियां हैं इनको हम गाजर और पत्ता गोभी को हम कद्दूकस कर लेंगे और प्याज और इन सबको हम बारीक कट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने अपनी सारी सब्जियां जो हैं ये गाजर और गोभी को घिस लिया है, प्याज और जो ये स्वीट कॉर्न थे और ये मैंने हरी आल प्याज थी इसको भी बारीक कट कर लिया है और अदरक और हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। तो अब हम इनकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल लिया है और अब हम इसमें ये राई डालेंगे, हींग डालेंगे और ये अदरक और हरी मिर्च को भी और ये स्वीट कॉर्न और हरी आल, इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। और इसके बाद हम ये अपनी प्याज को भी हम भूनेंगे। जब तक हमारी प्याज हल्की ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती है हम जब तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए और इसमें अभी हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर देखिए प्याज हमारी हल्की ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अब हम इसमें जो ये हमने गोभी और गाजर इनको कट किया है ये भी इसमें डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें
में अब हम नमक डालेंगे। और ये लाल मिर्ची पाउडर ये डाल देंगे इसमें। और सबको अच्छी तरह से मिक्स करकर ये जो इनको हम 2 से 3 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। बहुत जल्दी गल जाती हैं ये सभी सब्जियां, तो इनको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट बस सिर्फ। तो ढक करके हम पकाते हैं इनको। ओके, ये हमारी सब्जी जो इसकी स्टफिंग है ये बन करके तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा ये गैस को तेज करेंगे और इसका जो पानी है हल्का सा इसको हम सुखा लेंगे ऐसे इस तरीके से चला करके। ये देखिए, और अब हम गैस को एकदम बंद कर देंगे अपनी। ये देखिए सब्जी जो है हमारी जो इसकी फिलिंग है ये इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और ये बन गई है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारी जो स्टफिंग है ये एकदम ठंडी हो गई है और अब हम मोमोज बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये कढ़ाई में पानी डाला है। वैसे तो मोमोज को मोमोज का बर्तन या हम इडली के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको कढ़ाई में बनाना बताऊंगी। जैसे ये मेरे पास एक कढ़ाई है और इसके लिए मैं सभी घरों में ये देखो आसानी से मिल जाती है इस टाइप की स्टील की छलनी जो हमारे इस कढ़ाई पर ये इस तरीके से फिट आ जाए और उसके ऊपर एक प्लेट और इस तरीके से। तो जब तक ये मैंने देखिए इस कढ़ाई में 1 से 1.5 लीटर पानी डालकर रखा है, जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने जो ये मोमोज हैं इनको भर करके तैयार करेंगे। ये देखिए आटा भी हमारा तैयार हो चुका है और इसको हम थोड़ा सा और इस तरीके से हाथ से मस लेंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हम सूखा पाउडर लेंगे इस पर मैदा और इसकी फिर हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ कर तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से और फिर एक छोटी सी लोई लेंगे और उसको इस तरीके से ये पेड़ से बनाएंगे इसका और थोड़ा सा और सूखा मैदा डालेंगे। इससे हमारा जो आटा है इस पर चकले पर चिपके ना और थोड़ा सा इस पर भी लगाएंगे और ये इस तरीके से एक छोटी पूड़ी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम जो ये हमारी सब्जी है हम इसमें रखेंगे। और इसको फिर इस तरीके से ये जैसे है जैसे हम इसमें इस तरीके से इसके फ्रिल्स बनाएंगे चारों तरफ से उठा करके। और ये देखिए इस तरीके से और एक पोटली जैसी होती है इस तरीके से हमें मोमोज बनाने हैं। तो इसी तरीके से हम अपने पहले सारे मोमोज को बना करके भर करके तैयार कर लेते हैं। इस
इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, ध्यान रहे ये जो सब्जी है ये हमारे निकलनी नहीं चाहिए बाहर। इसको शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जिस तरह की आप चाहिए, आपको पसंद हो उस तरीके से आप अपनी, जो आपको सुविधा लगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम अपने सारे मोमोज को तैयार करेंगे। पहले भर करके ये देखिए, हमने अपने सारे मोमोज भर कर तैयार कर लिए। और अब हमारा ये पानी भी बॉयल होने लग गया है, तो अब हम जो ये हमारी छलनी है हम इसको थोड़ा सा तेल से चिकना करेंगे, जिससे जो ये हमारे मोमोज हैं इसमें चिपके ना। और इन सबको हम इस पर रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इन सबको हम इस पे छलनी पर रख देंगे। और इसको हम एक इस प्लेट से उल्टी तरफ से इस तरीके से ढक करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोमोज एकदम बनकर तैयार हो गए हैं। और अब हम गैस को कर देंगे बंद, और जिससे इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अलग प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। जब ये थोड़ा हल्के ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारे मोमोज हल्के ठंडे भी हो चुके हैं और मैंने इनको सर्व कर दिया है। गर्मा गर्म मोमोज हमारे तैयार हैं। और ये लाल लहसुन की चटनी बनाई है आप, ये मेरी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गए हैं ये, और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव मुझे बताइए।